27 दिसंबर आज पीपल सेक्रेटरीट में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी पर फातह खवानी और कुरान खवानी कराई गई। इस मौके पर पीपल सेक्रेटरीट के इंचार्ज फरीद अंसारी, एहसन रजवी, इरशाद सवाती, जरीफ खान, शकील उस्ताद, नईम खान, शाहिद, हया अमीर और इनके जियाले मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरीद अंसारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी, पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ और इनकी शहादत पर बातचीत की गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर मीडिया आई थी, वो आई थी 18 अक्टूबर को और आते ही उनका सरकार पाकिस्तान के लाखों अवाम ने किया और जमहूरियत दुश्मन और असम्बलियों के दुश्मन और सियासी पार्टियों के दुश्मनों ने उनका सरकार बमों से किया। उस जमाने 150 से ज्यादा कारकुन शहीद हुए, जख्मी हुए और उसके बाद वो क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा था, वो पूरे पाकिस्तान में निकली हुई थी दौरे में, इसी में फिर क्रिसमस भी आया। उनकी शादी से दो दिन पहले क्रिसमस था, उन्होंने क्रिसमस का केक भी काटा और फिर वो पंजाब के अंदर निकल गए पंजाब के दौरे में। तो उस दौरे में करते 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 जब पिंडी आई, पिंडी का जलसा, वो तारीखी जलसा जिसमें उनकी तकारी लाकडाउन के हमारे आज तक महफूज रहती, तो वो कह रही थी कि मैं उन पाकिस्तान दुश्मनों से लड़ने आई हूँ, मैं उनसे लड़ने आई हूँ जिन्होंने सुभाष से पाकिस्तान का झंडा उतारा। उसके आधे घंटे बाद बदतरीन दुश्मन ने भी शहीद कहा, मतलब पाकिस्तान के वो पार्टियां जो हमारे साथ और एक परिचय में होती है मुख्तलिफ एमआरडी और एआरडी की सूरत में, उन लोगों ने भी कहा जिनके खिलाफ में हम ये इतिहास बनाते थे और मेरे ख्याल कुछ नसीब थी कि उसने लड़ के आमिरों से जाबिरों से अपने आप को इस हद तक मनवा लिया था कि वो ना सिर्फ अमर हो गए, वो नाम की बेनज़ीर नहीं, वो वाकई में बेनज़ीर थी। उसने ऐसी बेनज़ीर मिसाल कायम की कि आज पाकिस्तान में उसका दुश्मन भी मशहूर है कि वो उसको शहीद किया। इस मौके पर फरीद अंसारी ने कहा कि मेरे इस मुल्क का मजाक ना बनाएं, पाकिस्तान आर्मी का मजाक ना बनाओ, मेरे इस मुल्क के जनरलों का मजाक ना बनाओ, पाकिस्तान को बचाओ, इमरान को हटाओ। जो ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चला रहे, जो मेरे मुल्क में इतने सियासी बहरान पैदा कर दिए, मेरे मुल्क में आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन नहीं बना सक रहे हैं, जो लोग उनको क्या पैगाम दे, मेरे कारकुन पैगाम दे रहे हैं, मेरी पार्टी का कारकुन पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाओ और इमरान खान को हटाओ, हमारा तो यही पैगाम है हम सबका, मैं भी कारकुन हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी शर्म की बात है कि आप मेरे मुल्क मजाक बन रहे हैं, मेरे मुल्क की आर्मी मजाक बन रही है, मेरे मुल्क के जनरल मजाक बन रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपने अंदर काबिल लोगों को रखो हुकूमत में, जो कम अज़ कम एक नोटिफिकेशन तो बना सकें। आज वो नोटिफिकेशन अदालत ने मंगाया, फिर उसको माना नहीं माना, कैंसिल किया, 6 महीने का टाइम दिया, अभी ये दोबारा जा रहे हैं नवीन सारी की दरख्वास्त देके सुप्रीम कोर्ट, क्या हो यहाँ पर होता है, लेकिन इस पाकिस्तान का मजाक मत बनाओ। कैमरामैन रोक सईद के साथ आमिर जान खलजी, जिना न्यूज़, कराची।